इस तरह का गलत बात देखिए, बात एक बात किसका, भोजपुरी का बात ना बोलते। अच्छा हो सकता है कि कोई भाई होश में बोल नहीं पाता होगा, होश में बोल ही नहीं सकता हो तो भाई वो ड्रिंक करके बोल देता है। सबकी अपनी क्या बोलते हैं जी, स्ट्रेटजी क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी जो है सबकी अपनी स्ट्रेटजी है कि भाई हम होश में कुछ बोल नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं आएंगे, तुम पी के बोल देंगे भाई, तो ठीक है ना, वो सबका जीने का तरीका है, उसको कैसे बदल दीजिए। लेकिन खेसारी जो बिंदास बोलते मीडिया को कोई सवाल सवाल से डरते नहीं है। मैं क्यों डरूंगा, मेरे पास सवाल है बस। सर मैं एक बात बताऊं आपसे, आप पूरी रात मेरे से सवाल करिए और पूरी रात जवाब भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ईमानदार हूं और जो दिल से बोलता हूं वो बोलता हूं। पन्ना पे लिख के मैं आज तक कुछ बोला नहीं और सोच के मैं नहीं बोलता कि मुझे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर दिल में अगर आपके निगेटिव चीजें चल रही है ना, तो आप कोई भी शब्द बोलिएगा तो उसके रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव भेव से अपने जीवन को चलाइएगा तो जीवन में आपको कभी तकलीफ और आपके शब्द भी उसी हिसाब से निकलेंगे जिस हिसाब से आपका विचार है। आप लोगों ने बोला कि पिक्चर एक हफ्ता में उतर गई, खुशी जो लिखने वाले जो भी हो, मैं नाम नहीं जानता, खुशी तो इस बात की होनी चाहिए कि 2 साल बाद सिनेमा घर खुला। उस सिनेमा घर खुलने से जो पिक्चर चल रहे हैं, जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, जो वहाँ पे पापड़ बेचने वाले हैं, जो बादाम बेचने वाले हैं, उनका घर कितना खुशी से चल रहा है, उस बात पर वो जनता तय करती है कि पिक्चर कितना दिन चला, वो प्यार दी है जनता। भाई जी उनको खुशी थी तभी उन्होंने बोला कि एक हफ्ते में उतर गई। बात तो वहां नहीं है, बात यहाँ है कि उनके मन में ये बात खुशी होगी तभी उन्होंने जाहिर की होगी। अगर हम अपने भोजपुरी के ही लोग, आप अपने आप को प्यारो बोलते हैं, आप अपने आप को प्रोड्यूसर बोलते हैं, आप अपने आप को डायरेक्टर बोलते हैं, आप अपने आप को हीरो बोलते हैं, आप अपने आप को हीरोइन बोलते हैं, और भोजपुरी की सिनेमा अगर कोई मान के चलिए कि ठीक है एक हफ्ते में उतर गए, आज जिसका एक दिन में उतरता है उसका क्या बोलिएगा, जिसका तो लगता है और अगले एक दूसरे घंटे में उतर जाता है। बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि कोशिश करिए ना, आप भी तो उस लेवल पर हैं, आप भी तो कैपेबल हैं, हमारी सिनेमा कैसे चलेगी। आप बेहतर सिनेमा समझे तो आप ऐसा सिनेमा क्यों नहीं बना देते हैं कि जो कम से कम 50 सप्ताह चले। आपको बनाने की जरूरत है, किसी की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है कि हाँ फलनवा उतर गया फलनवा चढ़ गया। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े, हम लोगों के प्यार से बड़े होते हैं, तो हमें लोगों को प्यार कैसे लेना चाहिए, क्या करें कि हम प्यार, आप बेहतर सिनेमा को जानते हैं तो आप बेहतर करने की कोशिश करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। वो भी एक प्रोड्यूसर है कि हाँ एक हफ्ते में अपनी सिनेमा उतर गई, मेरी सिनेमा नहीं चली तो कैसे चलेगी, इसका गणित जाना जरूरी है और इसको ऊपर ले जाने की जरूरत है, प्रतिक्रिया देने की। जब अपने ही बेटा को आप गाली दीजिएगा, आप अपने ही भाषा के सिनेमाओं को कहिएगा जा रहे नहीं चली रहे नहीं चली रहे नहीं चली रहे, तो फिर भाई बाकी दुनिया कैसे आपको बड़ा समझेगी और बाकी दुनिया कैसे बड़ा बनाएगी, और बाकी जो प्रोड्यूसर आप पे गेम करने वाले हैं, चाहे बाकी प्रोड्यूसर जो आपको बड़ा बिग बजट की सिनेमा बनाने वाले हैं, वो तो पीछे ही हट जाएंगे, तो फिर भोजपुरी बड़ा कहाँ से होगी। तो हमारे भोजपुरी की सबसे बड़ी भ्रमणा है कि हम अपनों को ही काटते हैं और अपनों को छोड़ दीजिए। भाई मैं तो इससे पीड़ित हूँ और पीड़ित नहीं बहुत खुश हूँ। सर एक इसमें से एक मेरा सवाल है, हाँ। आपकी भोजपुरी का स्टार है, जो भी स्टार है, कोई भी स्टार अपने अपने को समझते है, लेकिन सोशल मीडिया में ड्रिंक करके आके मतलब इस तरह का गलत बात किसका, भोजपुरी का बात ना बोलते। अच्छा हो सकता है कि कोई भाई होश में बोल नहीं पाता होगा, होश में बोल ही नहीं सकता हो तो भाई वो ड्रिंक करके बोल देता है। सबकी अपनी क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी जो है सबकी अपनी स्ट्रेटजी है कि भाई हम होश में कुछ बोल नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं आएंगे, तुम पी के बोल देंगे भाई, तो ठीक है ना, वो सबका जीने का तरीका है, उसको कैसे बदल दीजिए। लेकिन खेसारी जो बिंदास बोलते मीडिया को कोई सवाल सवाल से डरते नहीं है। मैं क्यों डरूंगा, मेरे पास सवाल है बस। सर मैं एक बात बताऊं आपसे, आप पूरी रात मेरे से सवाल करिए और पूरी रात जवाब भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ईमानदार हूं और जो दिल से बोलता हूं वो बोलता हूं। पन्ना पे लिख के मैं आज तक कुछ बोला नहीं और सोच के मैं नहीं बोलता कि मुझे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर दिल में अगर आपके निगेटिव चीजें चल रही है ना, तो आप कोई भी शब्द बोलिएगा तो उसके रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव भेव से अपने जीवन को चलाइएगा तो जीवन में आपको कभी तकलीफ और आपके शब्द भी उसी हिसाब से निकलेंगे जिस हिसाब से आपका विचार है।